नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो अरियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसावनं शुद्धात्मान मणिकांतं साधमुत्तम मंगलं वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थं संदृष्टार्थ प्रकाशकं मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता हे आत्मे हे अरहंताज महान हीन आत्मा बुद्धितात्मा वै परत्वेमेव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः। हितकारी लगते हैं, है नहीं? हितकारी लगते हैं। क्यों लगते हैं? ये अपनी दृष्टि का दोष है। हितकारी लगते हैं, अहितकारी हैं। किंपाक फल सुंदर लगते हैं और विषैले हैं। खाते समय कैसे लग रहे? मीठे से लग रहे। और हैं वो विषैले। पीलिए वाले को पीला लगता है सफेद। स्वयं भगने वाले को पेड़ भगते हुए लगते हैं और भगता है स्वयं। स्वयं भगते हुए को पेड़ भगते हुए लगते हैं और है वो स्वयं। भग रहा है कौन? स्वयं। मिथ्यात्व का यही स्वरूप है, जैसा है वैसा भाषित नहीं होता और जैसा भाषित होता है वैसा है नहीं। लगते हैं। लगना अलग बात है और होना अलग बात है। ये पर पदार्थ अपने लगते हैं, पर पदार्थ अपने हैं नहीं, होते नहीं। लगते हैं। बेरस हो विपाक समय सीवत लागे नीचे। सीवत समय भी नीचे है नहीं, लगते हैं। इनका तात्विक स्वरूप विचार करें तो ये पर पदार्थ अपने लगते हैं, आत्मा अपना है। आत्मा अपना है वह लगता नहीं है अपना है। वह पर पदार्थ अपने नहीं है और पर पदार्थ लगते हैं। क्या पेड़ नहीं भगते और लग रहे मालूम पड़ रहा है पेड़ भग रहे हैं और अपन भग रहे हैं तो अपन को जो मालूम पड़ रहा है कि नहीं भग रहे, अपन तो बैठे हैं। जो भग रहा है चल रहा है वो स्थिर लग रहा है और जो स्थिर है वो चल रहा है लग रहा है। पर पदार्थ इष्ट लगते हैं, इष्ट है नहीं, इष्ट होते नहीं। जो इष्ट हैं वे इष्ट लगते नहीं, इष्ट हैं उनकी खबर नहीं, ज्ञान ही नहीं इष्ट क्या है। आत्मा इष्ट है ये शुद्ध नय का कथन है। रत्नत्रय इष्ट है, ये भी किसी अपेक्षा से निश्चय नय का कथन है। किसी अपेक्षा के निश्चय का कथन है। और आत्मा को दर्शाने वाले रत्नत्रय की प्राप्ति के निमित्त भूत देवसास गुरु निमित्त हैं, धर्मायतन निमित्त हैं, धर्म धर्मात्मा धर्मायतन निमित्त हैं, इष्ट हैं। वे लगते नहीं है इष्ट। और जो इष्ट नहीं है वे इष्ट लगते। पंचेंद्री के विषय इष्ट नहीं है और वे लगते हैं, इष्ट हैं। पंचेंद्री के विषय इष्ट क्यों नहीं है? नंबर एक भिन्न है, भिन्न रह करके क्या कर सकते हैं? दूसरी उनके लक्ष्य से राग द्वेष होते हैं,
उनके लक्ष्य से कसाएं होती हैं। भी कसाएं इष्ट नहीं है तो कसाए के निमित्त इष्ट कैसे होंगे। उनके लक्ष्य से इस जीव को राग होता है, राग अनिष्ट है तो राग का विषय इष्ट कैसे होगा बताओ। वीतरागता इष्ट है तो वीतरागता का विषय भी इष्ट है। वीतरागता का विषय क्या है? देश शुद्ध आत्मा। और राग इष्ट नहीं है तो राग का विषय भी अनिष्ट नहीं, इष्ट नहीं है। राग अनिष्ट है और राग का विषय इष्ट है, ये कैसे हो सकता है? जब राग अनिष्ट है तो राग का विषय भी अनिष्ट ही होंगे। राग को का पोषण करने वाला भी अनिष्ट ही होगा, राग की प्रेरणा करने वाले भी अनिष्ट ही होंगे, राग को में उलझाने वाले भी अनिष्ट ही होंगे। होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है, इष्ट होना अलग बात है। छह द्रव्य लेकिन अपने नहीं हैं, तो हम ये थोड़ी करें नहीं है। जो उनकी सत्ता का निषेध करे वो तो नास्तिक है, लेकिन उन्हें इष्ट मान ले वे, भला मान ले वे, वह भी नास्तिक ही है। आस्तिक उसे कहते हैं जैसे को तैसा माने। ईश्वर को नहीं मानता वह भी नास्तिक है, और ईश्वर को कर्ता मानता, ईश्वर को कर्ता मानने वाले ने अपने को ये मान लिया हम आस्तिक हैं। हमारी तो आस्था क्या आस्था है? तुमने जैसा ईश्वर को माना है वैसा ईश्वर है नहीं, और जैसा ईश्वर है वैसा तुमने माना नहीं, जाना ही नहीं। सुदश तरंगणी में पहले भी कही थी, पंडितों की चर्चा आई। दो प्रकार के पंडित हैं, एक मानार्थी और एक धर्मार्थी। मानार्थी पंडित कैसे हैं? बड़ा अच्छा शब्द है, तन के समान। तन के समान, तन माने शरीर, ऊपर से सुंदर सा दिखता है, भीतर देखो तो नवमल द्वार, भीतर देखो तो है क्या इसमें सुंदरता। मानार्थी पंडित कैसे हैं? तन के समान है, शरीर के समान। शरीर को ही अपना मानते, जिस जिस प्रकार शरीर को शरीर में ही विमोहित हैं, उलझे हुए हैं, तो वास्तव में भी शरीर के समान ही कहे गए। कैसे? कि शरीर जैसे ऊपर से सुंदर लगता है और भीतर से घिनावना है, ऐसे इनकी ऊपर की क्रियाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, धर्मात्मा जैसी लगती हैं, इनके वचन तो बड़े मधुर से लगते हैं, और इनके अभिप्राय में मोह मिथ्या तो कसाएं बैठी। ऊपर से शांत दिखाई दे रहा है बगुला, और भीतर में क्या अभिप्राय है? जो मछली के अभी निकल जाऊं, बगुले जैसा ध्यान कह दिया ना, कितना शांत दिखाई दे रहा है। ऐसे ये बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल न किसी से क्रोध कर रहे हैं, न किसी का मान कर रहे, भैया सबके हाथ जोड़े विनय करें, नहीं, अंतर के अभिप्राय कलुषित हैं। आत्मा और शरीर का अंतर बताया था पहले, शरीर ऊपर से सुंदर है भीतर से मलिन है, और आत्मा ऊपर मलिन है संसारी जीव का और भीतर सुंदर है। इसलिए अंतर्दृष्टि सर्वत्र उपाधि, अंतर्दृष्टि से अगर आत्मा देखेंगे तो आत्मा का श्रद्धान उदित होगा सम्यक दर्शन में, और अंतर्दृष्टि से अगर शरीर को देख लेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा, और बाहर दृष्टि से अगर हम शरीर को देखेंगे तो राग उत्पन्न होगा,
और बाहर दृष्टि से बहिर्दृष्टि से आत्मा को देखेंगे तो अरे ये तो अज्ञानी मूल पापी। सुना सा दिखाई दे रहा, विपरीत दिखाई दे रहा, इसलिए बहिर्दृष्टि विपरीत है। बहिर्दृष्टि से शरीर को भी मत देखो भैया, बहिर्दृष्टि से अंतर्दृष्टि से देखो शरीर में है क्या, क्या क्या भरा इस देह में, कभी विचार करके देखो, विचार करके देखो इस शरीर में भीतर है क्या। तो मानार्थी पंडित शरीर के समान हैं, ऊपर से धर्मात्मा से दिखते हैं और भीतर अभिप्राय में मोह राग द्वेष भरे हैं, ऊपर से बड़े सरल दिखाई दे रहे हैं, जाने जैसे कई तैसे ही सुन लई मान लई करने लगे वैसे ही नहीं, और भीतर में देखो तो पता ही नहीं है सरलता किसका नाम है, कुटिलता। ऊपर अमल मल भरो भीतर कौन विधि घट सुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण छैली शौच गुण साधु रहे। और ये मानार्थी के भीतर दृष्टि नहीं, भीतर को देख ही नहीं रहा, जिस जिस प्रकार से अपनी देह की क्रिया को करते हुए अपने को धर्मात्मा मान रहा है, ज्ञान की चर्चा करते हुए अपने को ज्ञानी मान रहा है, ज्ञान की चर्चा करते करने मात्र से अपने को ज्ञानी मान रहा है, और धर्मार्थी पंडित कैसे हैं, घन के समान, घन माने बादल, हाँ घन माने बादल, ये तन के समान है, वे घन के समान है, ऊपर से एकदम श्याम वर्ण वैसे दिखाई दे रहे हैं और भीतर निर्मल जल भरा है, ये तन के समान है और वे घन के समान है, घन माने बादल, ऊपर से कैसे दिखाई दे रहे हैं श्याम वर्ण वैसे, ऐसे ये पाप के उदय में नहीं मलिन से दिखाई दे रहे हैं, पुण्य के उदय में रागी से दिखाई दे रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, और भीतर में वेद ज्ञान की धारा चल रही है, अंतर में सदन निवासी तदप उदासी, सदन निवासी तदप उदासी, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो सुखिया सदीव, ऐसे जीव समकृति है, ऊपर से वे क्रोध से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भीतर उस समय भी अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव होने से उतने अंशों में क्षमा भाव बढ़ता है, इसलिए उनका क्रोध विषयों के लिए नहीं होता, अन्याय करने के लिए नहीं होता, अन्याय का पोषण करने के लिए नहीं होता, उनका क्रोध भी हिंसा जिससे छुड़ाने के लिए है, मिथ्या तो आदिक के लिए छुड़ाने के लिए है, इसलिए वह क्रोध नहीं है, लगता है क्रोध जैसा लेकिन क्रोध नहीं है, ये उनका बात्सल है। माता शिक्षा देने के लिए ताड़ना कर रही है, गुरु शिक्षा देने के लिए ताड़ना कर रहे हैं, ये उनका बात्सल है, क्रोध नहीं, और ऊपर क्या लग रहा है क्रोध।
धर्मार्थी पंडित ऊपर से कैसे लग रहे हैं, पाप के उदय में कैसी दशा है, कोई पूछ नहीं रहा। अकेले बैठे हैं, शरीर में रोग है, दरिद्रता है, उपसर्ग हो रहे। उनके उदय में नाना प्रकार की अनुकूलताएं हैं, वैभव का ढेर है, पर ये कैसी सम्यक दृष्टि है। वैसे ही सम्यक दृष्टि है जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान सम्यक दृष्टि। चाहे सम्यक तो होता है गृहस्थ अवस्था में बोल, जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान सम्यक्ति है, वैसे ही सम्यक दृष्टि है। कि ये कैसे है, ये क्या है? सुनो, वे भी अपने को आत्मा अनुभवते हैं, ये भी अपने को आत्मा अनुभव रहे। ये भी अपने को अनादि अनंत अनुभवते हैं, वे भी अपने को अनादि अनंत ही देख रहे हैं। वे भी परद्रव्य को भिन्न देख रहे हैं, परमाणु मात्र अपना नहीं ऐसा देख रहे हैं, और ये भी अपने को परमाणु मात्र मेरा नहीं है ऐसा देख रहे हैं। ये चश्मा रख लेना, रख लिया आपने जेब में, और चोर नहीं कहा, चश्मा रख लिया जेब में और चोर नहीं। कि चश्मा जेब में होने पर भी उसे अपना नहीं मान रहे, और वो ठग जेब कट। अब आप समझो, वो जेब कट गंजी अभी गले में है, नोट जेब में है, लेकिन वो समझ रहा है जेब में काय के अभी ले। जिसे देखता है उसे अपना मान बैठता है, ये चोर है। और अपने संयोग में होने पर भी अपना नहीं मानता उस साहूकार है, सम्यक दृष्टि है। कर्ता सा दिखाई दे रहा है, विकल्प विकल्प इधर होते इधर कार्य होता है, ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है, पुण्य का उदय है, अंदर में विकल्प आया कि कार्य हुआ। हमने सोचा ये काम हो ऐसे करना, और उसने वही तुमने सोच लिया वही काम करके लिया। पुण्य के उदय में विकल्प के अनुसार कार्य बन जाते हैं, लेकिन तो भी अपने को कर्ता नहीं मानता। और ये मोही जीव पाप के उदय में अपने विकल्प के अनुसार कार्य नहीं बनते तो भी कर्ता मानना नहीं छोड़ता। दूसरे को दोष देख लेगा लेकिन अपना कर्तव्य तो नहीं छोड़ेगा, तो अभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि हम कर्ता नहीं है। क्या कहा, अपने विकल्प के अनुसार कार्य न होने पर, अथवा विकल्प अलग और कार्य अलग ऐसा होने पर भी वह सम्यक दृष्टि ही अपने को कर्ता नहीं मान रहा, और मिथ्या दृष्टि ही कर्तव्य तो नहीं छोड़ रहा। सम्यक दृष्टि जी धर्मार्थी पंडित क्या कहें, अनुकूलताओं में भी उदास हैं, और मिथ्या दृष्टि जी प्रतिकूलताओं में भी आस लगाए बैठे। एक दुआ पढ़ा है तुमने हिंदी में, ये आशा अटको रहो अल गुलाब के मूल, अये भीर बसंत इन डारिंगे फूल। फूल फूल नहीं है वहां अभी कांटे हैं, और तो अभी ऐसे अटका है, अये भीर बसंत इन डारिंग काउ न काउ दिन तो भगवान सुने बोल। क्यों
किसी न किसी दिन तो दिन बदलेंगे। अरे दृष्टि बदली रही, परिणाम बदल नहीं रहे, दिन कैसे बदलेंगे? और खराब आते जाएंगे। जिस कर्म का उदय आता है अपना फल देकर के वह कर्म निर्जरित हो जाता है, हो जाता कि नहीं? जैसे वृक्ष की डाल से फल टूट करके फिर वृक्ष में नहीं जुड़ता, ऐसे जो कर्म उदय में आकर के फल देते हैं उसके बाद वे फिर नहीं रहते, चले जाते, कर्म की निजरा हो जाती। लेकिन जिन परिणामों से, जो परिणाम उस कर्म उदय के साथ समय में हुए हैं, उन परिणामों से तो इस जीव को नया कितना बंद हो रहा है, कैसा बंद हो रहा है, ये सोचो। आप एक भजन पढ़ते हो, दुख आया है तो जाएगा, कैसे जाएगा? दुख आया है तो जाएगा, कैसे जाएगा? सुख देकर। क्या सुख देकर जाएगा? अरे नहीं, सुख देकर के कब जाएगा ये बता। जब उस कर्मोदय में समता परिणाम होगा तब। पाप के उदय में भी संकलेशता नहीं होगी। अगर तुम्हारे हृदय में भगवंतों की भक्ति है, तत्व का विचार है, अच्छा भाव है, तो वो दुख चला जाएगा लेकिन सुख देकर। ये मेढक का शरीर छूटेगा लेकिन देव का शरीर मिलकर के। और अगर उस पाप के उदय में संकलेश परिणाम है तो भैया देव शेष का शरीर छूटेगा लेकिन मेढक का शरीर देकर। दुख तो जाएगा, अध्रुव है, लेकिन दुख का जाने पर होगा क्या ये बता। कि दुख अगर पाप के परिणाम पूर्वक, संकलेश परिणाम पूर्वक जाएगा तो और अधिक दुख होगा। हाँ, दुख जाएगा तो सुख देकर, ये कब कहा? उसी भजन में से बोलो। दुख से घबराओ, दुख भी मानव की संपत्ति है। उसमें दुख जाएगा तो सुख देकर, लेकिन कब? जब दुख में घबराएगा नहीं तब। और अगर दुखों से घबराएगा, दुख में आकुल व्याकुल होगा, हे भगवान अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, मर गए मर गए मर गए, ये संकलेश प्रणाम करेगा तो भैया दुख जाएगा और महादुख देगा। सुख जाएगा तो दुख देकर, ये क्या मतलब? सुख जाएगा तो दुख देकर, कि उस इंद्रिय सुख में अगर मग्न रहेगा, रौद्र ध्यान पूर्वक अपने आगे कुछ नहीं समझेगा किसी को, निशंक होकर के पापों में प्रवर्तेगा, व्यसनों में अपना संपत्ति, अपना स्वास्थ्य, अपना शरीर, ये सब पुण्य के उदय की सामग्री है। स्वास्थ्य, शरीर, धन, पद, प्रतिष्ठा अगर व्यसनों में बर्बाद करेगा तो सुख जाएगा तो सुख, दुख जाएगा तो सुख देकर नहीं, दुख जाएगा दुख देकर। सुख जाएगा तो दुख देकर नहीं, अगर सुख में मगन नहीं होगा तो सुख जाएगा। चक्रवर्ती कहां गए बोलो? जो धर्मलीन तन त्यागे तो कहां गए? मोक्ष में गए, स्वर्ग में गए, सुख गया, दुख देकर के कहां गया? ज्ञानी सुख में मगन नहीं होते। ज्ञानी सुख में भी, सुख माने इंद्रिय सुख,
इंद्रिय सुख में भी सावधान रहते हैं, इसलिए उनका जो उन्नति सुख जाता है तो और उत्कृष्ट सुख मिलता है। हाँ, जो उस इंद्रिय सुख में पाकर के कुछ बाय वस्तु में पास नहीं तेरे आया, कहाँ के भगवान, कहाँ का मंदिर, कहाँ की दया, कहाँ की हिंसा, अरे सब अपने अपने कुछ नहीं होता। ये धर्म कर्म कहाँ का धर्म, जो इंद्रिय सुख में मगन होकर के धर्म की धर्मात्माओं की विराधना करते हैं, अपने को जाने कुछ अलग से समझने लगते हैं, हम कुछ हैं, हम बहुत बड़े हैं, ये सारे कार्य मेरे द्वारा ही हो रहे हैं, इस कुटुंब आदि का पालन मैं ही कर रहा हूं, इस सबका आधार मैं ही हूं, मेरे आधार से ही धर्मात्मा रह रहे हैं। लिखा है उसमें पंडित जी ने, अर्थ का पक्षपाती कहता है कि बड़े बड़े धर्मात्मन का ठिकाना मेरा घर है, बड़े बड़े धर्मात्माओं का ठिकाना मेरा घर है, मैं इनको भोजन कराता हूँ, मैं इनको पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं इनकी व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं ही। पंडित टोटरमल जी कहते, रे पापी, ये धन से धन के कारण नहीं आ रहे, तेरी थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि है इसलिए तेरे यहां आ रहे, ये तेरी धर्म बुद्धि के कारण, वात्सल्य के कारण, विनय के कारण आ रहे हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा तेरे घर इसलिए नहीं आते कि तेरे तू धनवान है, धनवान लोभी पंडित और अविवेकी धनवान हो वहां ऐसा होता है क्या, बोलो बोलो, लोभी पंडित अविवेकी धनवानों के समीप जाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, उनके आश्रित मानते हैं अपने को, उन्हें बड़ा मानते हैं, लेकिन जहां निर्लोभी विद्वान हो और धर्मात्मा धनवान हो वहां ऐसा नहीं होता, धन को पाकर के भी धर्मात्मा विनय नहीं छोड़ते, योग्य व्यवहार नहीं छोड़ते, अपनी धर्म भावना सदाकाल उनके समीप वे नहीं करते ऐसा, और यह स्वाभिमानी धर्मात्मा भी धनवानों के निकट नहीं जाता। पंडित जी ने कैसे लिखा है, जयंत राय जी ने, लोगन सो हमको, लोगन सो मिलवो हमको दुख, साहन सो मिलवो दुख भारी, भूपति सो मिलवो मरनो सम, एक दशा मोह लागत प्यारी, क्या की दा जले जिय मूरत, बेपरवाह सबे सुखकारी, ज्ञानत याही ते ज्ञानी अवांछक, कर्म की प्याल सबे जिनतारी। धनिकों के संगम को लिखा है, तो वही परमार्थ सुन सकता, धनिकों के संगम को माने भारी महाविपत्ति, विपत्ति आ गई, कहां की आवाज आ गई,
धर्मात्माओं के संग में तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन धनिकों के संग में प्रसन्न नहीं होते, गौरव का अनुभव नहीं करते। तो मानार्थी पंडित तन के समान है, तन के समान माने ऊपर से उजले दिखाई देते हैं, धर्मात्मा से दिखाई देते हैं, धर्मात्मा जैसी क्रियाएं कर रहे हैं, धर्मात्मा जैसी चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा है। और भीतर में कनुष्ठा है। और धर्मार्थी पंडित घन के समान है, बादलों के समान है, जो ऊपर से तो काले से दिखाई दे रहे हैं, काले काले गरज गरज, और भीतर निर्मल जल से भरे हुए हैं। ऊपर से कर्ता से दिखाई दे रहे हैं और अंदर में अपने को अकर्ता अनुभव रहे हैं। ऊपर से पुद्गल की चर्चा, आत्मा की चर्चा नहीं, पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं और लक्ष्य आत्मा का है, और जे मानार्थी आत्मा की चर्चा कर रहे और लक्ष्य पुद्गल का। इससे मुझे लोग धर्मात्मा समझें, मेरा आदर करें, मेरी प्रतिष्ठा मिले, मुझे विषयों की सामग्री मिले। अभी बताए दो तीन थी कि वे अनुकूलताओं में भी उदास हैं और ये प्रतिकूलताओं में भी आस लगाए बैठे, वो भयभीत तो हैं, उदास नहीं है, गिड़गिड़ा रहे हैं। कोई सहायक, कोई सहाय करे मेरी, देख रहे हैं ऐसे, भैया कोई आया, देवी देवता ही आया है। वे निर्वांछक भाव से धर्म कर रहे हैं और ये धर्म नहीं कर रहे तो भी वांछा कर रहे, धर्म नहीं कर रहे वांछा कर रहे, और धर्म करें तो वांछा होगी नहीं। क्यों? धर्म अतीन्द्रिय आनंद के वेदन पूर्वक होता है, और जहां अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है तब वांछा काय की करें। और ये धर्म उनको नहीं जान रहे, केवल पुण्य के उदय की कुछ क्रियाएं कर रहे और उनकी वांछा कर रहे। ज्ञानी तो फल वांछा त्यागे, अज्ञानी त्याग का फल चाहे, फल चढ़ा रहा हूं हे जिनवर, अब ये विकल्प भी नहीं है। तो मिले का हम कभी कभी कह देते, भैया एक रिक्शे वाला भी हो बस स्टैंड पर खड़ा, सेठ जी बस से उतरे, आओ सेठ जी बैठो, क्या पैसा? अरे पैसा वैसा मत पूछो, आप जो दे दे सो। क्यों? जानते हैं ये हमारी मेहनत नहीं काटेंगे, ज्यादा ही देंगे, हमको कम नहीं देंगे। और अगर वहां कोई कंजूस उतरे और खड़ा हो जाए और बैठने लगे, भैया वहां चलोगे? चलेंगे। पैसा 5 रुपया लगेंगे, 10 रुपया लगेंगे? अरे हाँ ले ली, ले ली 8, ले ली 8। अरे नहीं, हम कह रहे 10 लगेंगे, पहले कह रहे हम। बोलो होता है ऐसा व्यवहार के नहीं है? उसने कहा 2 किलो फल देना, उसने फल दे दिए, पैसा मांगने की और भाव करने की कोई जरूरत नहीं। और वे आ गया, भैया फल 20 रुपया किलो है, 50 रुपया किलो है? अरे ले ली 40। अरे हम पहले कह रहे। अरे प्रभु, साहब का जन्म बड़ी अच्छी लाइन लिखी, धनवान पंचम काल के धनाढ्यों का एक स्वभाव सा बन जाता है, आदत बन जाती है। मुंह को बड़ा आदमी जान करके कोई दूसरे की चीज मुफ्त में मिल जाए, कम में मिल जाए, और मेरी चीज कोई ज्यादा में ले जाए, ये चादर नहीं मैं लो, वो धोली है धोली है धोली, इतने ही को है ले ले बाप पूरे।
डॉक्टर तो पूरी फीस ले ली और बातें कर ली, मतलब ये है ये नहीं सोचता इन परिणामों का क्या फल होगा। प्रयास पर्याय में तन्मय है, बस उतना ही अपने को देख रहा है, अपना मान रहा है, मजा है। तो अज्ञानी कैसा है, जो इन विषयों को सुखरूप मानता है। सुखरूप मानने का क्या आचरण क्या होता है, ये मान्यता तो भीतर है, हम क्या मालूम सुखरूप मानते कि सुख नहीं मिलने पर खेद खिन्न रहता है, चाह की दाल में जलता है, और मिल जाने पर मगन हो जाता है, खुश हो जाता है। जरा नींबू लाना, नींबू। अगर नहीं मिला तो खेद खिन्न होता है, और मिल जाए तो मगन हो जाता है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बासल है, बस नींबू जी तो बासल है, बस जो ही बासल नींबू मिलेगा उसको। और तबीयत खराब की, उसने कह दिया नहीं नींबू नहीं है, नींबू नहीं देंगे जी, कैसे आदमी जी, तो बहुत बेकार आदमी। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है, इच्छाओं के अभाव में दुख मानता है। जबकि इच्छाओं के अभाव में दुख नहीं है, सुख है, और इच्छाओं की पूर्ति में दुख है। इच्छाओं की पूर्ति में दुख क्यों, क्यों भाई बोलो। कि इच्छाओं की पूर्ति में तृष्णा बढ़ती चली जाती है, और इच्छाओं की पूर्ति में वहां से वैराग्य का विचार भी नहीं आता, हटने का विचार भी नहीं आता। इच्छाओं की पूर्ति होती जाती, बस मगन है अपने, आराम से रह रहे, का तकलीफ है कछु नहीं। अरे भैया ध्रुव नहीं है, ध्रुव नहीं है, ध्रुव नहीं है, ऐसे जीवों को चेताने के लिए चेतावनियां लिखी हैं, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। क्या तकलीफ है कि ये रह नहीं सकती ये स्थिति, निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। क्या तकलीफ है, तकलीफ ये है यहां से जाना होगा, यहाँ रह नहीं सक, रहने के लिए कोई स्थायी निवास नहीं है, ये चार दिन का बसेरा है, रैन बसेरा है। इंद्रिय विषयों को इष्ट मान करके चाहना ये दुख का लक्षण है, दुखी है इसलिए। कैसा मोह का महात्म है, मोह का अंधेरा है, कि जो इष्ट है वे इष्ट लगते नहीं है, और जो इष्ट नहीं है वे इष्ट लगते हैं। हे भाई तत्व का अभ्यास करे, मोह की मंदता है इस समय, देशना जिन भगवान की मिली है, अगर तत्व का विचार करे, क्या क्या विचार करे, ये इंद्रिय सुख और इंद्रिय सुख के साधन इष्ट नहीं है, इष्ट तो मेरे लिए रत्नत्र है, आत्मा की आराधना है, इष्ट तो मेरा शुद्ध आत्मा है, इष्ट तो पंच परमेश्वरी भगवान है। अगर ये विचार करे बारंबार बारंबार तो मोह टूटे, और नहीं तो मोह पुष्ट होता चला जाता।
स्वाध्याय करो भीतर से, भीतर से करो। ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से कुछ कार्य सिद्धि नहीं है। तत्व अंतर में है, तत्व की प्राप्ति का मार्ग भी अंतर में है। अंतर शोधन करो, अंतर्मुखी पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ नहीं केवल अंतर्मुखी पुरुषार्थ, चिंतन नहीं अंतर्मुखी चिंतन, उपयोग मात्र नहीं अंतर्मुखी उपयोग। यहां ज्ञान को शरण कहा तो भाई ज्ञान का विशेषण लिखा, ज्ञान में आचरण करता हुआ ज्ञान ही शरण है। अपने को ज्ञान रूप अनुभवता हुआ ज्ञान ही आनंदित होता है। ज्ञान नहीं परलक्षी ज्ञान नहीं, अपने को ज्ञान रूप अनुभवता हुआ ज्ञान रूप भाता हुआ ज्ञान रूप ध्याता हुआ माने एकाग्र होता हुआ जो ज्ञान है वह सुख का कारण है। छेदारनामे से बताया था पहले, धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहावे। तुम तो सुन लेते हो, पढ़ लेते हो, हाँ कर देते हो। हमारे प्रोफेसर कहते थे इतना समय बदल गया, अब तो चाय का पढ़ा दे भी पढ़ के अपन चलेंगे, उन्हें सुनना ही नहीं है, वे तो गाइडन और यश पेपर में रहते हैं, वे सुने ही नहीं रहे तुम कह कार। और नहीं तो पहले के बच्चे तैयार छात्र पढ़ करके आते थे, तैयार होकर के आते थे, अध्यापक को भी तैयार होकर के आना पड़ता, जाने का पूछ बैठे। तो एक बच्चे ने पूछ लिया खेदारा में से, क्या कि धन समाज गजबाज राज तो काज ना आवे, ये बात तो समझ में आ गई, ज्ञान आपको रूप हो फिर अचल रहावे ये नहीं समझ में आई। अरे ज्ञान भी तो यहां सुन रहा है, सो अभी याद सब समझ में आ रहा और नेक देर में भूल गए। ज्ञान अचल कहां रहता है, ज्ञान तो भूल जाती हम, कितनी बड़ी बड़े कोर्स पढ़े और डिग्रियां करी और सब भूल गए, ज्ञान अचल कहां। कि सुनो फिर दोबारा पढ़ो, उसमें ज्ञान आपको आपको रूप हो फिर अचल रहा। आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान व अचल है, कलकाता वो स्वर्ण के समान है, जिसका तपाते जाओ उतना ही सुंदर होता चला जाता है और वह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान में मिल जाता है। भेद ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है, आया आया ए केवल ज्ञान, आया भाई आया। ये जीव अपने में संतुष्ट है, अपने में मगन है, यहां तुझे प्रतिष्ठा मिलेगी। ये ते ए तू यहां आकर के क्या करेगा, ये तो तेरी ओर देखा ही नहीं रहा, ये तो पर की ओर देखने वालों को केवल ज्ञान कैसे आएगा, अपनी ओर देखने वालों को केवल ज्ञान। आओ आओ, इसने अपना सर्वस्व आत्मा को समर्पित कर दिया है तो केवल ज्ञान भी आकर के खड़ा हो गया है। बाल ब्रह्मचारी तुमको लख शिवतीय सन्मुख आई, विमुक्त के सन्मुख नहीं, विमुक्त उनके सन्मुख हो गए, विमोक्ष बाद में गए, मोक्ष दशा उनको भाव मोक्ष पहले ही हो गया। मुक्त होकर के मुक्त दशा सिद्धालय में जाएंगे तो कुछ सुख मिलेगा, निगोदिया होकर गए तो काम मिले। वो भाव परावर्तन है, द्रव्य परावर्तन है, चित्त परावर्तन है। विचार करो भाई, ज्ञान आपको आपको रूप हो फिर अचल रहा। ये चादर तुम्हें हमने ओढ़ने को दे दी तो हम चाहे जब ले लिए, मैं चादर लाओ और तुम्हारी चादर जब होगी
तो फिर तुम्हारे कारण में फिर को मांगे हो हमारी चादर ला। तो आत्मज्ञान होगा वो आत्मज्ञान के साथ आत्मा के साथ अभिनव आवी, जब तक आत्मा रहेगा तब तक रहेगा। और ये इंद्रिय ज्ञान है, क्षेत्र ज्ञान है, ये कर्मातीत ज्ञान है, वह तो अनेक प्रकार से पराधीन है। कर्म पर बसी शांति दुखे अंतरितोदय, ये काय का लक्षण है? पाप बीजे, ये काय का लक्षण है? आगे नहीं पढ़ रहे, इतना ही पढ़ रहे। कर्म पर बसी शांति दुखे अंतरितोदय, हिंदी बोलो ना। कर्म पर बसे मुख्य रूप से कर्म और नो कर्म के अधीन है। कर्म पर बसे शांति अंत सहित है और दुखे अंतरितोदय, अंत में दुख देने वाला है। कर्म पर बसे शांति दुखे अंतरितोदय और पाप बीजी, पाप बीज है। ये क्या है? ये काय का लक्षण है? इंद्रिय सुख का लक्षण है। इंद्रिय सुख का ये लक्षण है। जब इंद्रिय सुख के ये लक्षण है, ऐसे ये इंद्रिय ज्ञान के लक्षण है, ये समझ लेना। इंद्रिय ज्ञान के भी लक्षण है। रोज तुम पाठ करते हो और अभी पूछे तो अभी नहीं बोल पाओगे। तुम्हारी नहीं कह रहे, यहां भी कह रहे, रोज पढ़ रहे और भूल गए तो भूल गए। अभी बीमारी हो गई, बात कुछ कर याददाश्त खत्म हो गई। अब इन्हें कहां से कहां बैठी हो गई, जब भी आपको दिखाई नहीं दे रहे, भयंकर कफ रोग हो गया। अब समझ में ही नहीं आ रही ये गंध कौन सी है, गया सब कुछ हो गया, अब सुनाई नहीं दे रहे। ये इंद्रिय सुख जैसे अनेक प्रकार से पराधीन है, ऐसे ये इंद्रिय ज्ञान भी अनेक प्रकार से पराधीन है। इसलिए भगवान कहते हैं भैया ये ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है और अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। उस अतीन्द्रिय ज्ञान जब सुख है तो उस अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय भूत शुद्ध आत्मा वही इष्ट है। इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख जब इष्ट नहीं है, सुख नहीं है, तो वह उसका कारण भी इष्ट नहीं। विचारो गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। विचारो कब तक? उगा पो करो कब तक? जब तक हमें भाषित न हो जाए कि इंद्रिय सुख दुख है, ये विषय दुख के कारण है, हमारा विषय तो अलग है, ये हमारा विषय ही नहीं। सही पूछो, ये हमारा विषय नहीं। एक संस्कृत के अध्यापक से पूछा काय का अंग्रेजी का क्वेश्चन, उन्होंने कहा ये हमारा विषय नहीं। उनको जा गले के डॉक्टर से हड्डी की देखना साहब जी मोछ कहीं क्रैक फ्रैक, वह हमारा विषय नहीं, उनके पास जा हड्डी विशेषज्ञ। ऐसे ज्ञानी कहते हैं ये हमारा विषय ही नहीं है। इस अखिल विश्व में हमारा विषय नहीं है, हमारा शुद्धात्मा ही हमारा विषय है। ज्ञान स्वयं ज्ञान है और ज्ञान स्वयं ही गेय है। ज्ञान का जो स्वगेय है वह ज्ञान ही है और कोई नहीं। और क्यों ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है, इसलिए अपना आत्मा ही स्वगेय कहा गया। स्वगेय है, सहज गेय है, परम गेय है। परम गेय क्यों? अरे इस आत्मा को जानते ही उसी समय अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उत्कृष्ट सुख को जानने देने वाला है। और इस ज्ञान को परम गेय इसलिए कहा, इस आत्मा को जानने पर सारा लोकालोक जानने की अभिलाषा मिट गई। लेकिन फिर भी मिट गई अभिलाषा तो मिट जाए, सारा लोकालोक जानने में आ गया, इसलिए इसको परम गेय कहा।
स्वगे अपना गे, सहज गे माने बिना विकल्प के, बिना विकल्प के, बिना किसी के अवलंबन के ये जानने में आता है, इसलिए स्वगे है। सहज गे, सहज गे कहो, परम गे कहो, स्वगे कहो, एक ही बात। बाहर में गे तो हैं लेकिन हमारे गे नहीं। ये महिलाएं तो बैठी हैं, स्त्रियां तो हैं दुनिया में, लेकिन हमारी स्त्री अलग बात है। घर तो हैं, हमारा घर अलग बात है। ये घर नहीं है तो क्या श्मशान है? कि भैया घर श्मशान नहीं है, है तो घर, लेकिन हमारा घर नहीं। हम ये थोड़े क्या ये घर नहीं है, घर तो है लेकिन ये हमारा घर नहीं है। ये मंदिर तो है, हमारा मंदिर नहीं है। घुस जाते हैं कहीं दर्शन तो करना अपने को, कि नहीं भैया ये मंदिर तो है, हमारा मंदिर नहीं है। ये घर तो है, हमारा घर नहीं है। ऐसे ही ये समझ लो, ये विषय तो हैं, ये हमारे विषय ही है। ये गे तो हैं सकल गे, लेकिन हमारा गे नहीं है। हम अपना गे ढूंढे, अपने गे को उठाएंगे कि दूसरे के गे को उठा लेंगे, ये कोई बात नहीं। पर गे जानने में आता, इसलिए गे कहने में आया है। जानने में आ जाता है किसके में? अपने को जानने वाले ज्ञानी के ज्ञान में आ जाता है। अपने को जानते हुए ज्ञानी के ज्ञान में ये सारा विश्व आ जाता है, इसलिए ये है कहा जाता है। व्यवहार नय का कथन है, लेकिन उस समय भी गे में रहता है, गे न्यारा रहता है, ज्ञायक में प्रविष्ट होता नहीं है। आत्मा इष्ट है और विषयों को इष्ट मानता है। कौन? कोई मूढ़ ही मानता है। कैसी सुंदर लाइनें बुद्धन जी ने लिखी है छेड़ालाम, बुद्धन जी ने छेड़ालाम, जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाही, पे भोगातुर होय सहे दुख नरकन माही, सुख दुख पूर्व विपाक अरे मत कल्पे जिया, कठिन कठिन ते मीत जन्म मानुष ते दिया। जिन्हें जिन वचनों में विश्वास नहीं है, वे इन विषयों को चाहते हैं, विषयों में मग्न होते हैं और नरकों में दुख सहते हैं। जिन्हें जिन वचनों में विश्वास है, उन्हें विषयों की कभी आस नहीं देती। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, वे उदास ही रहती है। विचारना, हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नम सदा धीतम हो।